हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और हमारे साथ है फ्लेक्सी। ये यहां पे बैठी है बॉल को छुपा के। इसने बॉल ले ली, जैक से छीन ली और अब ये नीचे उसको लेके बैठ गया, क्योंकि जैक इसके नीचे जा नहीं सकता, वो मोटा है थोड़ा, और जैसे ये बाहर आएगी तो इस पे से बॉल छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए बॉल को लेके बैठ गई है मेज के नीचे। फ्लेक्सी बाहर आ जा। देखो ले आई अपनी बॉल, ये देखो। और हमारे साथ है जैक मोटू, बीच में कमज़ोर हो गया था गर्मी की वजह से ज़्यादा, अब फिर से थोड़ा हेल्दी होने लग गया धीरे धीरे। तो अभी क्या है, जैसे मैं काफ़ी वीडियोस अभी डाल रहा हूँ इस नए चैनल पे, तो लोगों के कमेंट में सबसे ज़्यादा कमेंट जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो है फ्लेक्सी के प्राइस के बारे में, कि फ्लेक्सी हमने कितने की ली थी, जिस टाइम पर ली थी इसका क्या प्राइस था। तो अभी फ्लेक्सी हो चुकी है 3 साल की, दिसंबर में 31 दिसंबर को इसका बर्थडे आता है, 31 या 21 को, तो 3 साल की हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी के प्राइस के बारे में। उससे पहले मैं इनकी कर लेता हूँ ग्रूमिंग एज़ यूज़ुअल। अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो सुबह के टाइम इन दोनों को एक्सरसाइज कराई जाती है, और उसके बाद जब ये पूरा थक जाते हैं उसके बाद इनकी ग्रूमिंग की जाती है। तो ग्रूमिंग के लिए कॉम्स मैं लेके आया हूँ दो, तो पहले इनकी करते हैं ग्रूमिंग दोनों की, उसके बाद बात करेंगे फ्लेक्सी के प्राइस के बारे में। बैठ जाओ फ्लेक्सी, इधर आओ, सिट करो बेटा, मेरे भैया पास बैठो, वीडियो बनाएंगे आपकी। बैठ जा, गुड गर्ल, बैठ गए भाई। अब इसको बॉल का वो लग रहा है कि जैक ने ले ली बॉल, अब इसको बॉल चाहिए है ना फ्लेक्सी। तो भाई फ्लेक्सी अरे बैठ जा, दे देंगे बॉल, वीडियो बनवा ले पहले अपनी, गुड गर्ल है तू, गुड गर्ल बेटा। देखो बॉल लेने जाएंगे भाई, सर बॉल दिया कोई दूसरी इसके लिए। तो देखो भाई टी शर्ट का क्या हाल कर दिया इन दोनों ने मेरे, इनका डेली का यही काम है। देखो कुछ पसीने से होगी, कुछ ये चाट चाट के इनका मुँह लगता रहता है, ये गंदी कर देते हैं, गिल जाती है पूरी। तो अभी फ्लेक्सी के प्राइस की बात करते हैं, सबसे पहले तो इसकी एज की बात करते हैं। अभी हो चुकी है 3.5 साल की पूरी, और दिसंबर में हो जाएगी 4 साल की। तो ये हमने ली थी 2017 में, उस टाइम पे ये हमारे यहीं पे एक पेट शॉप है, तो जान पहचान के ही हैं वो भैया, राहुल भैया हैं, तो उनसे मैंने ये ली थी उस टाइम पे। वो उस टाइम पे जैसे हम पहले रहते थे शहर में, उसके बाद हमारा प्लान था कि हम वापस से गाँव में शिफ्ट होने वाले हैं, तो हमें लगा कि भाई शहर में तो मैं हम डॉग रख नहीं पाए थे जब गाँव में रहते थे उस टाइम पर रखते थे। तो हमें जब हम दोबारा से वापस गांव में आए थे तो मुझे लगा कि भैया फिर से अब हम एक डॉग रख सकते हैं। तो मेल लेते तो मेल थोड़ा महंगा पड़ रहा था, फीमेल का प्राइस सस्ता होता है लगभग, अगर आप फीमेल और मेल का डिफरेंस देखें तो लगभग डबल का ही मेल आता है जर्मन शेफर्ड की अगर बात करूँ तो मैं। कुछ ब्रीड्स में सेम प्राइस भी होता है मेल फीमेल का, लेकिन जर्मन में लगभग अगर 8 की फीमेल आ रही है तो लगभग 15 के आसपास का आपको मेल पड़ेगा। तो उस टाइम पर फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो उस टाइम पे काफ़ी पेट शॉप देखी, फिर उसके बाद एक पेट शॉप जो मेरे को सही लगी राहुल पेट शॉप, तो वहाँ से फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को एक फीमेल जर्मन शेफर्ड चाहिए, तो उस टाइम पे उनके पास 2 फीमेल अवेलेबल थी। तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा कि इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लो, जो आपको पसंद आए वो मैं लेके आ जाऊँगा। तो ऐसे मेरे को वीडियो देख के इतना समझ नहीं आया, तो वो रहते भी फरीदाबाद में है और मैं भी फरीदाबाद में था, तो मैंने उनसे बोला कि आप दोनों लेके आ जाओ, जो आपको जो मतलब मेरे को पसंद आएगी तो मैं वो ले लूँगा। तो एक लेके आए थे वो शॉर्ट कोट में, बिल्कुल ही मतलब अभी फ्लेक्सी के बाल छोटे हैं, आप इसको मीडियम हो सकते हैं, तो उसके बाल इससे भी ज़्यादा छोटे थे। तो एक वो लेकर आए थे, उसका प्राइस वो बोल रहे थे 5,000 रुपये, और ये दूसरी थी फ्लेक्सी, इसका प्राइस वो बोल रहे थे 6,000 रुपये। तो फिर हमें ये पसंद आ गई, उसके बाद थोड़ी हमने बार्गेनिंग करी, तो 5,500 रुपये में फ्लेक्सी हमें इस टाइम पर पड़ी थी, 2017 की बात है, तो 5,500 रुपये में फ्लेक्सी हमने ली थी उस टाइम पर। और बहुत से लोग पूछते हैं कि जैक कितने में लिया था, तो जो लोग मेरा चैनल शुरू से देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि फ्लेक्सी ने जब बच्चे दिए थे उनमें से हमने एक बच्चा रखा था, तो वही जैक है। तो मतलब जैक जो है वो फ्लेक्सी का बेटा है, और हमने कोई पेट शॉप वगैरह से कहीं से ख़रीदा नहीं है, लेकिन इस क्वालिटी में अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लेंगे तो 17-18-20 हज़ार तक आपको मिल जाएगा मेल, है ना जैकू। तो इस वीडियो में मैं फ्लेक्सी के बचपन की बिल्कुल छोटी सी, जिस दिन हम फर्स्ट डे इसको लेकर आए थे उस दिन की पिक भी अपलोड कर दूंगा, कि हमारे पास इसकी पिक भी पड़ी हुई है। और जब हम इसको लेकर आए थे तो ये थी लगभग 35-40 दिन के आसपास की, तब से ही हमने इसके लेकर आए थे, उसके 4-5 दिन बाद इसकी हमने पहली वीडियो बना ली थी। तो वो फर्स्ट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी के ऊपर, और उसके हो चुके 10 लाख व्यूज़ कम्प्लीट, मतलब कि 1 मिलियन व्यूज़ हमारी फर्स्ट वीडियो के कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें फ्लेक्सी लगभग 40-45 दिन की थी। तो वो क्लिप भी मैं उस वीडियो में से छोटी मोटी क्लिप इसकी, मतलब जब 1-1.5 महीने के आसपास की थी, वो सारी क्लिप भी मैं डाल दूंगा, और जो इसकी हमारी फोटोज थी वो भी मैं डाल दूंगा इसकी, है ना फ्लेक्सी, है ना बच्चा बॉल, ये बॉल गंदी कर रखी है पूरी बॉल। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, बहुत से लोग कमेंट करते थे कि क्या प्राइस था, क्या प्राइस था। तो क्या होता है अभी थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ साथ प्राइस सारे डॉग्स के सारे ब्रीड्स के बढ़ गए हैं,
तो उस टाइम पे ये हमें पड़ी थी 5500 रुपये की, 5500 रुपये की। अभी भाई 7-8 हज़ार के आसपास आपको ऐसी फीमेल मिल सकती है। तो मेरा सेल परचेज का काम नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं आप कब आप सेल करते हो या नहीं करते, आप कहीं से दिला दो, तो मेरा किसी पेट शॉप वगैरह से मैं कॉन्टैक्ट नहीं रखता, ना किसी ब्रीडर से कॉन्टैक्ट है। तो इनके कभी फ्यूचर में फ्लैक्सी की वैसे 2-3 हीट आई थी, वो हमने मिस करा दी। तो कभी फ्लैक्सी या जैक में से किसी के बच्चे अगर अवेलेबल होंगे भी तो मैं अपने ही चैनल पर उनकी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मैं कोई एक प्रोफेशन से मैं ब्रीडर नहीं हूँ, ना हम इनकी हर बार मीटिंग कराते। तो बस शौक से रखे हुए हैं 2 डॉग्स हमने, अपना सेल परचेज का काम नहीं है, है ना भाई। जय किधर, आ जा इधर आओ। मैं बच्चा, तो ये देखो भाई, हाँ मैं बच्चा। तो बस यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना जयपुर।